गोरखपुर महोत्सव के अंतर्गत चंपा देवी पार्क में हॉट एयर बैलून राइड और पैरामेट्रिक राइड का महानगर वासियों ने शनिवार को रोमांचक लुफ्त उठाया। पर्यटन विभाग द्वारा महानगर वासियों के लिए 2 पैरामोटर और 1 हॉट एयर बैलून के रोमांचक अनुभव लेने का सुनहरा अवसर मात्र 3 दिनों के लिए ही उपलब्ध किया है। विश्वविद्यालय में संचालित हो रहे गोरखपुर महोत्सव के सुरक्षा व्यवस्था का SPCT विनय कुमार ने पैरामोटरिंग राइड के माध्यम से जायजा लिया। इस दौरान जिला अधिकारी के विजेंद्र पांडे ने गोरखपुर महोत्सव परिसर में पैरामोटर राइडिंग की निगरानी कर रहे SPCT को भी देखा और आकाश से भी गोरखपुर महोत्सव के गोरखपुर पुलिस के निगरानी करने पर खुशी का इजहार किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए पैरामोटर राइडिंग कर निरीक्षण कर लैंड करने के उपरांत SPCT विनय कुमार सिंह और पैरामोटरिंग राइड तथा हॉट एयर बैलून का लुफ्त उठाए नागरिकों पायलट अजीत सिंह भाटी प्रबंधक नीरजा आहूजा ने कहा। देखो तोड़ेगा
थोड़ा सा स्पाइरल करूँ तो मैंने आपसे बात माना कि स्पाइरल होता है तब डर लगता है। ये पैरा मोटरिंग काफ़ी एडवेंचरस और काफ़ी मतलब आनंददायक रहा। मैंने गोरखपुर महोत्सव का जहाँ पे संचालन हो रहा है मंच और बाकी चीज़ें सुरक्षा की व्यवस्था से भी उसका जायजा लिया और ऊपर से काफ़ी गोरखपुर शहर काफ़ी अच्छा दिख रहा था। सर रोमांच किस तरह का सर यहाँ पे लोगों के लिए? नहीं मैंने बता दिया काफ़ी एडवेंचरस काफ़ी रोमांचकारी है और साथ साथ मतलब सेफ्टी भी इसमें है, सुरक्षा के उपाय भी किए गए हैं तो इसका पैरा मोटरिंग का आनंद लेने के बाद काफ़ी एडवेंचर भी है और काफ़ी गुड फीलिंग भी है। मोहित बहुत अमेजिंग और एडवेंचरस था। क्या ऊपर से क्या फील क्या हो रहा था? फील तो बहुत अच्छा हो रहा था, पूरा व्यू मिल रहा था और अच्छा था, ये बहुत अच्छा है, एडवेंचरस है। आरपी मिश्रा नाम है मेरा। मज़ा आया लेकिन यूनिवर्सिटी की तरफ गया होता तो और मज़ा आया होता, पूरा गोरखपुर का चक्कर नहीं लगा लेकिन जितना चक्कर लगा उतने मज़ा आया, काफ़ी ज़्यादा बहुत अच्छा लगा। प्रनील चौहान। इस तरह का ये रोमांच रहा? ठीक है, अच्छा था, शुरू में बॉडी थोड़ी डर लगा लेकिन उसका सही हो गया। इस तरह का पहल लोगों के लिए थोड़ा नए जैसा था, लोग देख रहे थे लेकिन उसका लग रहा था नॉर्मल है सबके लिए। बेटा है? हाँ ये मेरा बेटा है। हमें तो खैर पेपर के माध्यम से जानकारी हुई इसकी और ये एक नई पहल जो हुई है गोरखपुर में, इससे एक उत्साह तो है ही है लोगों में और उसी के चलते हम अपने बच्चे को लेके आ जाए हैं जिसका इसने अनुभव लिया और इसके लिए एक बहुत अच्छा यादगार अनुभव होगा। जो पैराग्लाइडिंग कभी हम लोग सोचते थे कि हिल स्टेशन जाएंगे तो शुरू करेंगे, वो चीज़ हमारे गोरखपुर में योगी जी ने शुरू कराई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गोरखपुर महोत्सव के थ्रू। मेरा नाम अजीत सिंह भाटी है, मैं अपनी टीम हिमांशु भाटी की टीम थार टू स्काई एडवेंचर्स की तरफ से हमारी टीम के साथ मैं आया हुआ हूँ। जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ यहाँ पे वेदर तो बहुत सपोर्ट में, यानी विंड भी बहुत सपोर्ट में है, सब चीज़ें, पर थोड़ा जो ग्राउंड का जो एरिया है थोड़ा सा ये लेवल में नहीं है जिससे थोड़ा सा लिटिल बिट हमारे को थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। बाकी इस ऑसम क्योंकि हम यहाँ पे आने के बाद में अच्छा लगा हमें गोरखपुर के, इधर पानी है, इधर अच्छा वातावरण है, चारों तरफ अच्छा माहौल हमें देखने को मिला और जैसे कि आपने हमारे पायलट को देखा होगा कितनी अच्छी फ्लाइंग की है, अभी आपके वहाँ पे जाऊँ महोत्सव पूरा चल रहा है वहाँ तक भी हम जाके आए हैं, ऊपर से पूरा देखा है और लोगों में काफ़ी उत्साह है इस चीज़ को देख के, एक नई चीज़ उनको देखने को मिल रही है और ये मेरे को लगता है गोरखपुर में शायद पहली बार या दूसरी बार हुआ है, इस वजह से लोगों को नई चीज़ें देखना और मात्र प्रशासन की वजह से, प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, प्रशासन की वजह से मात्र सिर्फ 1400 रुपये में इतनी लग्जरी राइड कर पा रहे हैं लोग, यानी कि कोई झिझकेगा नहीं एक बार करने के लिए, मात्र 1400 रुपये में इतनी अच्छी राइडिंग उनको मिल पा रही है जिस तरीके से प्रशासन उनको दे पा रहा है, काफ़ी सस्ते में उपलब्ध कराया है प्रशासन में क्योंकि राजस्थान में इसी की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है, इससे 2 गुना ज़्यादा है। जिस तरीके से वेट का क्या माना कि वेट का, जैसे कि अगर वेट का ऐसे इशू है कि जैसे अगर ग्राउंड लेवल में हो, अच्छा वेदर हो तो उस हिसाब से हम 100 kg भी हम करवा सकते हैं, बट अभी जिस हिसाब से हम ग्राउंड का लेवल है उस हिसाब से हम 80 kg के अंडर या 85 kg के अंडर हम उनको यानी कि फ्लाई करवा रहे हैं अच्छी तरीके से, फ्लाइंग विंड के अकॉर्डिंग 110 तक हम आराम से फ्लाई करवा सकते हैं। अगर ग्राउंड अगर हमारे लेवल का मिलता है, लंबा ग्राउंड होगा, टेक ऑफ के लिए जितना टाइम मिलेगा हम 110 भी 115 भी हम यानी वेट केजी में फ्लाई करवा सकते हैं। अभी उनके लिए जैसे कि 90 के अबाव के वालों को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा उनके लिए नहीं, बाकी बच्चे तो इस राइड का आपका आनंद ले रहे हैं, काफ़ी उत्साह है, मज़े में हैं, बिल्कुल बढ़िया और बहुत बहुत धन्यवाद।